Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 5 of class 5th EVS. Come, let's play games. In this chapter we will study about games, yoga, asana and their importance in our life. So many games are played in different part of Rajasthan in different ways, like Mardadi, Sitolia, Gilli Danda, Hide and Seek, Catch Catch, etc. के कॉमन गेम्स हैं जो हर कहीं खेलते हुए हम लोगों को देख सकते हैं. चार भार, चौपड़, लॉयन गोट, अष्टचंगा, ये सब कुछ गेम्स हैं जो कि घर के अंदर, घर के बाहर या फिर कोर्टयार्ड में खेले जा सकते हैं. गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पार्टिकुलर फेस्टिवल्स. कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जिनमें गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. जैसे मेवाड़ के अंदर सितोलिया जो है वो मकर संक्रांति पर खेला जाता है. काइट्स उड़ाए जाते हैं, पतंग उड़ाए जाते हैं बग्गड़, मारवाड़ और धुंधड़ में. नेक्स्ट इज, ये आपके कुछ पिक्चर्स दिखा रखे हैं, टेबल टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग, आर्चरी, क्रिकेट, स्कीइंग और बिलियार्ड्स. इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर्स. ऊपर आपने जितनी भी पिक्चर्स देखी हैं उनमें कौन कौन से गेम्स दिखाए गए हैं. हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं. विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर्स इन द ग्राउंड. बाहर ग्राउंड में, आउटडोर मतलब जो घर के अंदर नहीं खेले जा सकते, घर के बाहर खेले जाते हैं. ऊपर पिक्चर में ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं जो सिर्फ घर के बाहर ही खेले जा सकते हैं. विच गेम्स आर प्लेड इनडोर्स इन द रूम. वो कौन कौन से गेम हैं जिन्हें सिर्फ घर के अंदर खेल सकते हैं हम या फिर कमरे के अंदर भी खेल सकते हैं. When more than one player play together, जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ मिलकर खेलते हैं, a feeling of cooperation develop among them, तो उनके बीच में feeling of cooperation, सहयोग की भावना जो है वो develop होती है, जिसे कि sportsman spirit कहा जाता है. Games which are played in the ground are called outdoor games. वो गेम जिन्हें बाहर ग्राउंड में खेला जाता है उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं. एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज एरियाज, रूम्स, आर कॉल्ड इनडोर गेम्स. और वो गेम जिन्हें एक छोटी सी जगह पे या फिर रूम के अंदर भी खेला जा सकता है उन्हें इनडोर गेम्स कहते हैं. सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड अ टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस. अभी दूरदर्शन पे जो है कबड्डी के मैचेस टेलीकास्ट करना शुरू हुआ है. दीज डेज दिस गेम इज बिकमिंग पॉपुलर. और इन दिनों वो गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स. बच्चे जो है गलियों के अंदर जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर कबड्डी खेलते हुए नजर आ रहे हैं. एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो. उन्हें क्रिकेट खेलते हुए भी देखा जा रहा है. क्रिकेट इज प्लेड ऑन ए लार्ज ग्राउंड. क्रिकेट को एक बड़े ग्राउंड पर खेला जाता है. बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो. लेकिन बच्चे को ये स्मॉल प्लॉट्स पे खेलते हुए भी देखा गया है. Nowadays, people have become quite aware of their health. आज के टाइम में लोग अपनी हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है, अवेयर है. Hence, yoga is also becoming more and more popular. और इसी हेल्थ की वजह से, लोगों की हेल्थ अवेयरनेस की वजह से योगा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. Now come, let's know some fact about yoga also. अब हम योगा के कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि योगा क्या है, ये हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. ये आपका सूर्य नमस्कार है जिसमें फर्स्ट स्टेप से लेकर 12th स्टेप तक डायरेक्ट कर रखा है कि किस तरीके से पहले स्टेप से 12th स्टेप तक ये सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है. योगा जो है वो प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन है, तब शुरू हुआ था. योगा के बारे में जो हमारे पुराने वेद है, ऋग्वेद, हमारे टोटल चार वेद हैं जिनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें योगा के प्रैक्टिस के बारे में मेंशन किया हुआ है. अब कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पे कि आसन बताए गए हैं. जैसे ऊपर की ये जो पिक्चर है ये अलग अलग आसन है, लेकिन अलग अलग आसन से मिलकर सूर्य नमस्कार बना है. तो टीचर जो है इंस्ट्रक्शन देता है तारासन का, पद्मासन का, पवन मुक्तासन का और सूर्य नमस्कार का. सूर्य नमस्कार जो कि इन सभी आसन का एक कॉम्बिनेशन है, सभी आसनों को मिलकर सूर्य नमस्कार बनता है. उसमें खुद में ही कई सारे आसन जो है वो मिले हुए हैं. पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि, ये सब चीज़ें इंक्लूड है, शामिल है.
मेडिटेशन जो है वो भी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट की उसके लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है। इट डेवलप्स एन आर्ट और लिविंग, ये किस चीज़ को डेवलप करता है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला को डेवलप करता है। इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ, जो लोग योगा करते हैं उनका लाइफ के लिए जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाता है, जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो अपने आप से पॉजिटिव हो जाता है। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा जो है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और धार्मिक, आध्यात्मिक जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। स्वामी विवेकानंद हैड सेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, और यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हमारे यंगस्टर्स जो है वो शारीरिक तौर पे मजबूत होने ज़रूरी है। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, योगा और गेम जो है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी, स्वस्थ बनाते हैं एंड ब्यूटीफुल, सुंदर बनाते हैं, अलोंग विद प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट, कि हमें इंटरटेनमेंट, हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ योगा जो है वो हमारे शरीर को मजबूत, स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स के कारण लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे ऑन 21 जून 2015। लाखों की संख्या में अलग अलग देशों के लोगों ने योगा डे सेलिब्रेट किया था, सबसे पहले 21 जून 2015 को, बाई डूइंग आसन्स ऑफ योगा, उस दिन लोग योगा के अलग अलग आसन्स को करते हैं। दीज डेज मैनी फॉरनर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू लर्न योगा, आजकल बहुत सारे फॉरनर्स जो है वो भी इंडिया आ रहे हैं, उन्होंने इंडिया आना शुरू किया है ताकि वो योगा सीख सके। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे, और यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, ये सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। योगा वर्ड जो है वो संस्कृत से बना हुआ है। योगा का मतलब होता है कॉन्टैक्ट करना, कनेक्शन करना, मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन और परफॉर्मेंस, योगा शब्द के इतने सारे मतलब निकलते हैं। Along with entertainment, yoga make us healthy and beautiful. हमारे मनोरंजन के साथ साथ योगा हमें हेल्दी और ब्यूटीफुल भी बनाता है। Along with intellectual and physical development, games make us disciplined. हमारी बौद्धिक और शारीरिक डेवलपमेंट के साथ गेम्स जो है वो हमें disciplined, अनुशासित बनाते हैं। With feeling of companionship and cooperation, games develop zeal and joy. अगर हम जो है कंपेनियनशिप की, कंपेनियन है वो हमारा साथी है या किसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो गेम्स जो है वो हमारे अंदर झील और जो है कि हम उल्लास और खुशी से ये गेम खेल सकते हैं, वो सब चीज़ों को भी डेवलप करता है। हम कोऑपरेट भी करते हैं, भाईचारे की भावना भी हमारे अंदर आती है। बाय टीचिंग टू स्ट्रगल, बी कॉन्फिडेंट एंड विन, गेम्स मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल। गेम्स जो है वो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। कैसे, कि ये हमें सिखाता है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, हमें जीतना सिखाता है, जिससे कि हम जो है अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। फिर है ब्रीथ वेरिएशंस, गेम्स के अंदर रनिंग और जंपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, और रनिंग करने से क्या होता है, ब्रीथ जो है वो हमारी फास्टर हो जाती है, तेज हो जाती है। उस टाइम में सिट साइलेंटली एंड ब्रीथ नॉर्मली, अगर ऐसा होता है कि हमने रनिंग की या हमने जंपिंग की है जिससे कि हमारी सांसें जो है वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया है, तो उस टाइम में हमें चुपचाप एक जगह पर बैठना चाहिए और नॉर्मल सांस लेने तक वहाँ बैठा रहना चाहिए। टेक योर हैंड नियर योर नोज एंड फील द ब्रीथ, अपने हाथों को नाक के पास लेकर जाओ और अपनी ब्रीथ को हमें महसूस करना चाहिए। एट योर प्लेस जंप 10 to 20 times, जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर 10 से 12 बार जंप करो। अब टेक योर हैंड नियर योर नोज, अपने हाथ को नाक के पास लेकर जाओ एंड फील योर ब्रीथ, और अपनी सांसों को फील करो। नेक्स्ट इज सम इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स हु हैव मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट, जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई है। गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे, मेक हेल्थ ब्यूटिफुल, गेम्स टीच अस मैनी स्किल्स, रिमूव डिफरेंस ऑफ कलर्स एंड रेस, गेम्स हग ऑन। गेम्स जो है वो हमारी कमजोरियों को दूर भगाता है, गेम्स हमारी हेल्थ को अच्छा बनाता है,
गेम्स हमें बहुत सारी स्किल कौशल सिखाता है। ये हमारे बीच में रंग और रेस को लेकर जो डिफरेंस है उसको मिटाता है। गेम्स हग ऑल, गेम सबको गले लगाता है। ये कुछ लाइंस है जो गेम्स के लिए लिखी गई है। जैसे कि स्विमिंग के लिए कुछ एक्सीलेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने कि हमें प्राउड फील करवाया है उनके अचीवमेंट के बेसिस पर। जैसे कि स्विमिंग, भक्ति शर्मा, विद्वल खाड़े, आर्चरी लिंबाराम, दीपिका कुमारी, बॉक्सिंग मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। इनमें से कौन से गेम ऐसे हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, आपको सोचना है, अपने क्लासमेट्स के साथ बात करनी है।